ये आलोक जी हैं, जैसा हमने आपको बोला था कि आपको हम टीचर देंगे बच्चे पढ़ाने के लिए, तो हम तो इनको लेके आए थे। आपके बच्चों को पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, किताब, सारी चीज़ें हम देंगे। बेटा पढ़ोगे ना? हैं? ये मुंह पे मना कर रहा है, ये तो आपका ही बेटा है। तो कब से शुरू करें? ये अभी तो देखो, यहाँ से अभी थोड़ी झुग्गियाँ टूट रही है, एक हफ्ता कम से कम भी। तो एक तारीख से शुरू करें? हाँ जी। मेरे को ऐसा वाला चाहिए, ऐसा मैं बाजार में कुछ भी सामान बेच सकूं। आपको इससे बढ़िया करके देंगे। इससे बढ़िया वाला दे दो, मेरे को हल्का ही दे दो। अभी कुलदीप भाई, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, 2 महीने के अंदर यहाँ से मैं आपसे नाम लिखवाऊंगा, उनको रोजगार भी देंगे। कल हमारे झुग्गी पे धर दिया लकड़ी, जचाक हमारा पानी बिखेर दिया, हमारा सब धर से घर बेकर, हम रोटी बना रहे। यहाँ क्या कुछ बनने वाला? रोड बन रहा है? ये तो वो बनेगा, वो सब वो कावड़ पे गए ना, जो बच्चे कावड़ वाले आते ना, उनके लिए खाना वाना ऐसे उनका, ये तो 2-3 दिन के लिए बनेगा। अच्छा, अरे ऐसे भी तुम बोला हमारे बच्चे जल चढ़ाने का ये कुछ इंसान है क्या? तुम्हारे बच्चों को बुलाओ, जल फोन करो, वापस बुला लो, जल मत ला के खिलाने दो, जल मत ला ले दो हमारे, थोड़ी बहुत सहायता भी घर से, थोड़ी बहुत सहायता तो करो। तो देखो इसमें तो दीदी हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम क्या कर सकते हैं? देखो वो तो सरकार है, पुलिस है, अब उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी मर्जी। अगर उनसे ज़्यादा बहसबाजी करेंगे तो भैया वो जितना है वो उसको भी तोड़ देंगे। उनसे तो रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। उधर की तरफ लगा लो आप लोग, मेरी बात सुनो। देखो हम तो आपके लिए, ये आलोक जी हैं, जैसा हमने आपको बोला था कि आपको हम टीचर देंगे बच्चे पढ़ाने के लिए, तो हम तो इनको लेके आए थे। ठीक है ना? देखो सामने वो कौन है, सफेदों के पास वो दिख रही है, वो सफेदे हैं। हाँ वो दिख रही, इधर से देखो ना। हाँ मेरे दिख गया, वो रहा वो सामने। हाँ हाँ, अब ये सारी वहीं जाएंगी, सारी वहीं जाएंगी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ना वहाँ पे पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों को, जगह भी बना देंगे। ठीक है, अब आप देखो हमारी क्या जिम्मेदारी थी कि हम टीचर लेके आए, वो हमने पूरा करा, और ऐसे ही हम और लेके आएंगे। पर उनको, अपने बच्चों को आपको पढ़ाने भेजना है 5 से 6, आपकी जो झुग्गी है उसके पास में ही हम एक दरी बिछा लेंगे। ठीक है, आपके बच्चों को पेंसिल, रबड़, कटर, कॉपी, किताब, सारी चीज़ें हम देंगे। जैसे उधर ना कुछ महिलाएं थी, वो बोली हम भी पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई महिला भी पढ़ना चाहती है उनके लिए भी हम लगाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अपना नाम लिखना, गिनती, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए ना। अब सीख लो कम से कम, बड़े हो जाए, अपना नाम तो लिखना आना चाहिए ना। कोई, आप एक बात बताओ, आप पता पढ़ लेते हो? कुछ पता लिखा होता है, नहीं पढ़ पाते ना आप, किसी को पकड़ा नहीं पता, मारे को तो कहाँ जा रही, किसी से नहीं पता, बस बताना कहाँ जा रही। तो कम से कम आप जब लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, आप बस देख के पढ़ सकते हो कौन सी बस कहाँ जा रही, किसे पूछना नहीं पड़ेगा ना। तो ये पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है बेटा, वो बेटा हमारा तिरपाल ले लाके दिया आपने। तिरपाल कौन सी? वो 2 बड़ी तिरपाल नहीं मिल रही आंटी। अब देखो दीदी, जो चीज नहीं मिल रही है, देखो छोटी 4 रखी हुई है। ठीक है, मैं वो कल आपको, कल परसों में वो पकड़ा दूंगा। ठीक है, कल परसों में, क्योंकि जो छोटी तरपाल है वो बड़ी वाली नहीं मिली हमारे पास, जो छोटी तरपाल है। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, जो छोटी वाली तरपाल है वो दे देंगे, आप उसको सी लेना। ठीक है, ठीक है, आप फिर हम कब से आए? अभी तो देखो ये सिलसिला चल रहा है उठाने का, कल परसों या जैसे 4 तो बन गई आज चुकी। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे जैसे पहुंचते जाएंगे, 3-4 दिन तो लग जाएंगे। 3-4 दिन लग जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो हम अगले हफ्ते से शुरू करें? अच्छा, वो कब आएंगे जो गए हुए हैं? कुलदीप और ये कुलदीप ये खड़ा। अरे कैसे कुलदीप? अभी देखो ये जो हमारी थी वो हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को बिठाने की, नहीं पढ़ाने की हमारी है। इनको कॉपी किताब सारी चीज़ें हमारी तरफ से दी जाएंगी, ये गुरुजी हैं जो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही मान सम्मान इज्जत जो आप हमें देते हो वही आपको इनको देनी है। ठीक है, अपना 1 घंटा जो भी बच्चे हैं उन सबको, छोटे बच्चों का अलग बैच बना देंगे और बड़े बच्चों का अलग बना देंगे। ठीक है, तो कब से शुरू करें? ये अभी तो देखो यहाँ से अभी थोड़ी झुग्गियाँ टूट रही है, एक हफ्ता कम से कम भी। तो 1 तारीख से शुरू करें? हाँ जी, ना 3 तारीख से। ये तो ये देखो आप हमें देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ बाढ़ गए कावड़ लेने बहुत ज़्यादा,
30 तारीख को क्या नाम है 30 से 50 बालक गए यहाँ से कावड़ लेने। जब भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमने बोला सबसे कि 3 तारीख 4 तारीख का हमें टाइम दे दीजिए कि नहीं नहीं अपनी अपनी कावड़ वावड़ जो भी अपना आप पहुँच जाएंगे तुम्हारी। ये कोई कहने का मतलब थोड़ी नहीं, हम हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म के लिए हम सब अपने सारे हिंदू भाई है। तो यहाँ से क्यों खाली करवा रहे हैं? यहाँ से यूँ खाली करा रहे हैं ना, जैसे सीवर लग रहा है यहाँ पर कावड़ियों के लिए, तो उनमें हमारे बालक भी गए 50-60, तो हमने उनसे बोला आप गढ़ाओ आपका जो काम है, आप अपना काम जारी रखो, तो हमें थोड़ी हटके हम लगा लेते हैं। तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाके ककरोला है ना, जो ककरोला नाला है, नाले पे लगाओ। तो नाले पे हम कैसे लगाए, बच्चे डूब जाएंगे उधर। यहाँ तो क्या है, हमने सारी जैसे पब्लिक ध्यान रखते हैं, खाने पीने के हमारे साईं बाबा मंदिर है, जो इनकी दीन है, जो भी सबको जो जिनके से जिनके पास पैसा नहीं होता ये पेट भरता है उनका। तो अभी आप लोग वहाँ पीछे लगा रहे हो? हाँ अभी वहाँ लगा रहे हैं हम पीछे। चलो आप लोग पीछे करो अभी, ठीक है? फिर कब से? 3 तारीख से। हाँ वहाँ भी तो परेशान करते हैं, वहाँ से भी तो परेशान करते हैं, कभी इधर भगाते तो कभी उधर भगाते, कभी इधर भगाते, तो जाए तो जाए कहाँ जाए। हमें कम से कम 5 तारीख का टाइम तो मिल जाना चाहिए था। सारी जिंदगी यहीं रह रहे हैं, कम से कम 20 साल। कितने? आप 20 साल से आप यहीं पे हो? 20 साल करीब, मगर क्या अब तक कैसे कभी यहाँ कभी वहाँ के, यहाँ से तुम छोड़ के चले जाओ जगह पुलिस वाले, क्या अब तक क्या काम भगाते सर जी। आप कोई ऐसी बात करो कोई पुलिस वालों से, कोई झुग्गी यहाँ ठे जा, गरीब है ना घर ना मकान, कहाँ रहेंगे? साईं बाबा की बात छत्र में पड़े हैं, जो भी खाना पीना खाते बालक तैयार है। जो पुलिस वाले भगाते ना उन्हें एक रात सुला दो आप यहाँ पर बस। अरे कैसे मच्छर, 10-20 जो भी पुलिस वाले उन्हें एक रात सुला दो, पता लग जाएगा धरती आसमान का हिसाब क्यों। हमारे पास छत होगी, गर्मी से पता लग जाएगा भाई उनको, जो भी यहाँ सोएगा तो गर्मी है। पड़े रहेंगे पुल के नीचे, पुल के नीचे तो कोई मना भी नहीं करता, हम जब भी तो पड़े, हमारे कुछ जगह जमीन हो तो हम तो उधर रहे, हमें क्या मरने का शौक है इतनी गर्मी, कीड़े भी काट लेते, इतनी गर्मी पड़ती क्या पता कैसे कैसे दिन गुजारते। पुलिस में ना हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम भी करेंगे ना, अगर मान लो हम उनको बोलेंगे, अब वो कहेंगे हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो यही बोला था कि ऊपर से ऑर्डर है। देखो हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे। हमने ये बोला हमें 5 तारीख के लिए टाइम दे दो, 5 तारीख तक, क्यों हमारे बालक गए सब हरिद्वार जल लेने के लिए, अगर हम यहाँ से कहीं और चढ़वाएंगे तो इतनी दूर की मेहनत प्राप्त हमारे बालकों की बेकार हो जाएगी, क्यों अखंड हो जाएगा जल तो नहीं चढ़ता जलते इस मंदिर में। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, जैसा भी होता है हम 3 तारीख से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? बच्चों को बिठाने की जिम्मेवारी आपकी है, ले रहे हो जिम्मेवारी? ले रहे जिम्मेदारी, आपके भरोसे ये सारा शुरू किया जा रहा है। ये कुलदीप भाई है, इन्होंने कहा था कि आप टीचर ला के दो, इन बच्चों को बिठाना काम और जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आपके कहने पे ये आलोक जी हैं, ये आए हैं और ये अब 3 तारीख से आएंगे बच्चों को पढ़ाने, ठीक है? खुश हो? खुश हैं हम तो, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाना है। अगर ये बच्चे पढ़ गए ना, अगर इनमें से कोई एक आधा भी निकल गया तो मैं कह रहा हूँ बेटा पढ़ाने के लिए देखो सर आए हैं ना, थैंक यू बोलो सर को, वो पढ़ाएंगे आपको, थैंक यू सर, ठीक है? आप पढ़ोगे ना तो पहले हम क्या करेंगे कि हम बच्चा मिल के बोलो थैंक यू सर, उनको 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 बोलो, पढ़ोगे ना सारे पक्का, और नहीं पढ़ोगे तो। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, जो जो बच्चा पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, पढ़ेगी खुशी, जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा ना उसे गिफ्ट मिलेंगे, सर ना टेस्ट लेंगे, ठीक है? सुनो बेटा रुको, बात सुनो ना, ठीक है? सर क्या करेंगे, जैसे 1 महीने 2 महीने होते जाएंगे आपका टेस्ट लेंगे, जिसके सबसे अच्छे नंबर आएंगे उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? और जो पूरे साल में सबसे अच्छे नंबर लेके आएगा उसको साइकिल मिलेगी। नहीं अभी पता क्या हुआ था कि अब हमने पहले यहाँ पे करा है ना, अब हम इसके साथ में पहले पढ़ाई वाला शुरू करेंगे, समझ रहे हो आप बात मेरी? सबसे ज़रूरी पढ़ाई, अब जैसे आपकी मैंने ये वाली तो शुरू हो गई, हमारी रहने का भी हुआ, लेकिन अब उसके बाद जो ज़रूरी वो पढ़ाई है। अभी कुलदीप भाई मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 2 महीने के अंदर
यहाँ से मैं आपसे नाम लिखवाऊंगा, उनको रोजगार भी देंगे। आपने कहा था ना मेरे को, क्या बोला था आपने, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपने, नहीं वो दूसरी उन्होंने बोला था, क्या बोला था आपने, क्या चाहिए, आपने पिछली बार क्या बोला था बाजार में ले जाने के लिए, क्या चाहिए, खिलौने बोल रहे, मेरे को और इसका चाहिए था, मैंने बोला था आपको एक रिक्शा। अभी ना हम आपसे वो भी नाम लिखवाएंगे कि यहाँ पे हम जो महिलाएं हैं उनको कैसे रोजगार दे सकते हैं, और वो जिम्मेवारी आपकी होगी। पहले इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है, पढ़ना जरूरी है बच्चों का। चाहिए ऐसा, मैं बाजार में कुछ भी सामान बेच सकूं, आपको इससे बढ़िया करके देंगे। इससे बढ़िया वाला दे दो, मेरे को हल्का ही दे दो, आपको इससे बढ़िया। हमने यहाँ पे जो औरतें हैं इनको नौकरी देंगे, नौकरी, ठीक है, अभी पहले बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो औरतें उनको नौकरी, धीरे धीरे। आप ये सोचोगे इस हफ्ते ये हो जाए, उस हफ्ते वो हो जाए, वो नहीं हो पाएगा, पर धीरे धीरे करके हम सारा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे महिलाएं हैं जो काम कर सकती हैं, आप उनके नाम लिख के दोगे, हम धीरे धीरे गिनती कर करके उनको हम कुछ कुछ रोज़गार देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कुलदीप भाई ये लोग अपने पैरों पे आप लोग खड़े हो पाओ, ये महिलाएं अपने पाँच पाँच घंटे निकाल सकती हैं, अगर ये चार पाँच घंटे निकालें अपने, और ऐसा कोई रोज़गार हम शुरू करें जिसमें मान लो इनको 5,000 रुपया मिल रहा है महीने का, तो क्या बुरा है, 5 घंटे 4 घंटे खड़े हुए काम करा, अपना लेके आए इज्जत वाली नौकरी, अपना बैठ गए, और वो सारा आपकी देखरेख में होगा, आप जिम्मेवारी लोगे उन सारी चीज़ों की, कि हाँ भाई मैं सारी जो भी महिलाएं जाएंगी उनका भी मैं ध्यान रखूंगा, और कोई भी काम भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि देखो कुछ भी गड़बड़ हुई पुलिस वगैरह आपको ही पकड़ेंगे, हमें ही बोलेंगे भाई आप लोगों ने ऐसा करवाया। तो ये ध्यान रखना है, इन बच्चों को पढ़ाने का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम 3 तारीख को आएंगे, ठीक है। ओए लड़ाई मत करो, बिल्कुल शांत, लड़ाई नहीं करते, पढ़ोगे ना सारे, तो हम उधर कैमरे की तरफ देखो, बोलो उधर 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 बेटा पढ़ाई करोगे, नहीं आप बताओ कौन पढ़ेगा। अच्छा सारे मिलके सर को थैंक यू बोलो, चलो ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, मिलते हैं 3 तारीख को, चलो ठीक है, बाय बाय बाय।